अब कोई चिंता नहीं है हमको, अब कोई चिंता नहीं है। पापा जीमण में चल रहे हो आप? राधे राधे, घर पे ही भोजन करेंगे। सो कैसे हो मेरे भाइयों, और आई होप एक नंबर ही हो गए। सो वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स, और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में हमेशा की तरह आप लोगों का फिर से स्वागत है। और भाई लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने बोला था, बाहर गए थे हम खाने, जिसने नहीं देखा, क्या कह रहे हो, नहीं देखा तो देखो यार, क्या कह रहे हो, देख लिया तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि भाई शादियों का सीजन अभी चल रहा है, और जिस दिन हम वहां पे गए थे वो उस दिन मतलब वो जगह पैक्ड रहती थी लेकिन शादियां चल रही थी, तो सब लोग जीमण में गए थे। और मैंने ये बोला था कि आज की दिन अगर हमारे पास भी इनविटेशन होता तो हम भी यहाँ नहीं होते, शादी में होते। तो ये जस्ट मैंने बोला ही था, और आज गेस करो कहाँ जा रहे हैं, जीमण में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो भाई मेरा जीमण में जाना मतलब एक तरीके से चलो ठीक है, क्योंकि वहां पे जीमण में जितना बोलता ना उतना मैं खाता नहीं हूँ, ना ही मेरी इतनी डाइट है। लेकिन जितने भी जीमण लवर्स है ना, उनके दिल से पूछो, जब उनको जीमण में जाना होता है ना, दिल क्या धक धक करता है, वैसा उनको आनंद आ जाता है। जितने भी जोधपुर वासी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको जीमण से कितना प्यार है। ऑलराइट, तो देखिए कौन आया है। मम्मी आई है। मम्मी कहाँ जा रहे हो भाई? अभी तो फिलहाल अलमारी में कपड़े रखने जा रही हूँ। अच्छा, नहीं बाहर कहाँ जा रहे हो? बाहर तो किसी रिलेटिव है, उनकी शादी में जाना है। तो एक दो फंक्शन में और बुलाए तो मैं गई नहीं थी, तो रिसेप्शन है तो आज उन्होंने बहुत बोला है तो जाना है। अजी रिसेप्शन नहीं बोलिए, देखिए हम जोधपुर जीमण बोलिए। मैं अभी इन लोगों को यही बता रहा था कि जोधपुर वासी जीमण से कितना प्यार करता है। अच्छा चलो आप बताओ, एक जोधपुर वासी जीमण से कितना प्यार करता है? जीमण से बहुत प्यार करता है, जोधपुर का खाना ही इतना बेस्ट है और जीमण में तो बहुत ही बेस्ट बनता है, जैसा कहीं नहीं बनता है। ये बात तो भाई फैक्ट है भाई, मम्मी जोधपुर जैसा खाना कहीं नहीं है। जीमण में रहता आता है दोस्त, आउटिंग हो जाती है एक तरह से, कहीं चले जाते हैं बाहर, सबसे मिलते हैं। मेन क्या होता है मकसद, जीमण तो देखो बहुत आजकल कितनी खाते हैं, लेकिन मकसद होता है सब परिवार वालों से मिलते हैं। अभी इन दिनों में कोरोना के चलते हुए कहीं पे भी मिलने जुलने ज्यादा जा नहीं सके, शादी में हमारे घर भी हुई तो बहुत कम जने आए थे, तो इस बार में थोड़ा मिलना जुलना भी हो जाएगा। क्या तैयार होने जा रहे हो? हाँ चलो ठीक है, जाते हैं तैयार होने, कपड़े वपड़े निकालते, डिसाइड करना पड़ता है हमको, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कपड़ों में, तो चलिए फिर तैयार होने जाते हैं, फिर मिलते हैं। और वो कहाँ है? वो भी तैयार होगी, फिर उसको भी सब बताऊंगी, वो अच्छे से पहली बार उसको मिलेंगे ना सब, वो नई शादी हुई है तो पहली बार ही मिलेंगे, तो वो भी अच्छे से तैयार होके जाएगी। अरे अभी कहाँ है वो? अभी वो किचन में है, दादी सा के लिए खाना बना रही है। पापा जीमण में चल रहे हो आप? राधे राधे, घर पे ही भोजन करेंगे। तो पापा आप बताओगे भाई, जोधपुर वासियों के लिए जीमण कितना इम्पोर्टेंट है? भाई जोधपुर में दो चीजें बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा क्या? एक तो खंडे। हाँ। जिससे घर बनता है। हाँ। और एक खौन खंडे जगह जगह खाते बनते हैं। तो मैं इन दोनों या दूसरी जो श्रेणी है खौन खंडा, उस श्रेणी में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं अपना भोजन जहाँ तक होता है घर पे ही करता हूँ, राधे राधे। तो इन शॉर्ट हम खावन खंडे हैं मम्मी। नहीं, हम कौन से खावन खंडे हैं जो? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे खाने जा रहे हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं तो हम जाते हैं, भाई क्या करें, रिश्तेदारी निभाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है। मैंने आपसे सफाई मांगी नहीं, तो ये शब्द से हम खावन खंडे नहीं है, इस शब्द से इतने बेचैन क्यों? क्यों है हम बेचैन? यानी कि इन शॉर्ट आपने हमें खावन खंडे बोल दिया है। अच्छा चलो पापा ये तो हो गया, आप मतलब मेरे को क्या समझते हो फिर आप? वो आज न्योता है ना। हाँ। तो अपने आप को आंख लेके तू क्या है, कि तू किस श्रेणी में आ रहा है? खावन खंडे की श्रेणी में आ गया हूँ। दादी का क्या कर रही है? खैर देखना, क्या दिख ही रहा है, खाना बना रही है दादी सा के लिए और पापा के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो राधिका जी आप एक बात बताइए हमको कि जोधपुर वासियों के लिए जीमण कितना जरूरी है आपके हिसाब से? जीवन के साथ साथ सब चीजें जरूरी होती है। क्या? रिश्तेदारों से मिलना। ओह माय गॉड, बातें करना। मम्मी की आवाज आ रही थी क्या कानों में तुम्हारे? और सब ऐसे भी बहुत एक्टिव होती है बातें करने में। तुम एक्टिव हो बातें करने में? हाँ। हैं? तो एक जगह रुक तो जाओ, अभी क्यों एक्टिव हो रही हो? क्योंकि मुझे जल्दी से काम करके और रेडी भी होना है। अच्छा तो ये तो बताओ कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट है जोधपुर वासियों के लिए? जोधपुर वासियों का तो पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे पापा अभी वापस से कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो आप?
जोधपुर वालों के लिए जिम होना इसलिए जरूर ऐसे ही जरूरी है जैसे शरीर में हेमोग्लोबिन वो उसको वो जो राधिका तो कह रही है और किसी के लिए होनी हो मेरे लिए जरूरी है। जो जोधपुर की कहावत है उसका दूसरा भाग याद कर लो। That means हमको हमारा दूसरा कामन गंडा मिल गया है। ओ, so, what's up guys? देख ही सकते हो कि भाई मैं तैयार हो गया हूँ और मम्मी और राधिका भी तैयार हो गए हैं। अभी देखा। Alright, मम्मी और राधिका दोनों भी तैयार हो चुके हैं और देख ही सकते हो दोनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं तैयार होके। Hi guys, तो समय आ गया शादी में जाने का तो रेडी हो गए दोनों तो अब निकलते हैं और जाते हैं शादी में तो चलें? चलो नानी से इंतजार कर रही है। अब यहाँ से निकल रहे हैं सब जने बैठ रहे हैं शादी अटेंड कर ली। ज्यादा अंदर का शूट नहीं किया थोड़े बहुत आपने स्नैप्स देखे होंगे ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या है कि सब जने मिलते हैं तो कभी कभी कुछ प्राइवेट टाइम भी होना चाहिए इस वजह से ज्यादा हमने ब्लॉग नहीं किया। अब मेरी नानी साहब बेखौफ घूम रही है बाहर। नानी साहब क्यों भाई? भाई वैक्सीन लग गई अब कोई चिंता नहीं है हमको। अब कोई चिंता नहीं है वापस करो तो अब नहीं करोगे? चलो बाय। पहले भी हम तो चिंता नहीं करते थे नीचे उतरता ही नहीं थे लटकाते सब्जी अपने आप आ जाती थी। नीचे लटकाते थे सब्जी अपने आप आती थी वो थैली लटका के फिर सब्जी आ जाती। यहाँ से ऊपर से टोकरी लटकाते थे सब्जी वाला क्या यहाँ तो सड़क से डाल दिया करता था बस वो यहाँ इसमें लटका देती वो सब सब्जी सब डाल देता है उसके पैसे लेते हैं वो काट लेता है मेरे पैसे वापस थैली में डाल। बहुत सीधा हिसाब है भाई सीधा हिसाब है। चलो 3-4 किलो तो मेरी थैली में आ जाती है खींच लेते हैं।